हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मसाला सोया चापड़ी का बनाने जा रही हूँ। इसे ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह कट कर लेंगे, इसके स्टिक को रिमूव कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसे डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने से इसके सारे लेयर्स खुल जाते हैं। जब ये इस कलर का हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 स्पून दही लेंगे। ये 2 स्पून रोस्टेड बेसन लेंगे। टर्मरिक 1/2 स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें ये सोया चाप मिक्स कर देंगे और इसे 25 मिनट्स के लिए रखेंगे अच्छे से। जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें बटर थोड़ा सा डाल देंगे। जब ऑनियन थोड़ा इस कलर का हो जाए तब इसमें टमाटो मिक्स करेंगे। वन टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, बस। इसे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट पकने देंगे। इसे ऐसे फ्लेम पे सेक लेंगे। इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, थोड़ी देर पका के बंद कर देंगे। A few moments later. सब्जी में कलर आ गया है तो इसे बंद कर देंगे। अब इसे सर्व कर देंगे।